चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है रियल मी का पावर बैंक, 10,000 mAh बैटरी का है, इसमें इनबिल्ट कैपेसिटी देख सकते हैं। इसमें USB पोर्ट है और एक USB टाइप सी चैनल है, जिससे हम अपनी USB टाइप सी अपने चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी इंडिकेटर है इसमें, ये दिखाता है कि इसमें कितनी परसेंट बैटरी है। 10,000 mAh पे ये चारों इंडिकेटर दिखाता है, कम होने पे 3 दिखाता है, 2 दिखाता है, 1 दिखाता है, और बिल्कुल लो बैटरी होने पर बिल्कुल ब्लिंक भी करता है। तो ये है रियल मी का पावर बैंक, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही स्टर्डी क्वालिटी का है, और येलो रंग में काफ़ी अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप इसे। और चार्जिंग में बहुत ही कोई दिक्कत नहीं, कोई भी USB टाइप सी की चार्जिंग केबल लगाइए आप इसमें, जैसे ये है, और ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। और देख सकते हैं किस तरह चार्ज हो रहा है, ब्लिंक हो रही है इसकी। और अगर इसको किसी किसको अगर इससे मोबाइल को चार्ज भी करना हो तो मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए इसके साथ जो एक केबल दी हुई है, काफ़ी छोटी केबल दी हुई है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में इसमें ये लगाइए USB में, और सिंपली हम इसे चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को। देखिए वो भी क्विक चार्जिंग हो रहा है, ऊपर देख सकते हैं क्विक चार्जिंग हो रही है इसमें। सिंपल है प्रोसेस, इससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, चाहे तो अपना ईयरबड्स भी चार्ज कर सकते हैं। ये एप्पल ईयरबड्स नहीं है, इसका भी मैं रिव्यू से साथ ही कर रहा हूँ। ये रियल मी का पावर बैंक है, 10,000 mAh, एंड दिस इज रियल मी बड्स। तो ये भी इसका भी रिव्यू करते हैं। ये भी टाइप सी चार्जर से ही चार्ज होता है, सिंपल टाइप सी चार्जर लगाते हैं और टाइप सी चार्जर, और क्वालिटी तो ऐसी है इसकी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। मेरे को इवन कभी कभार को लोग तो हैरान हो जाते हैं इसे जब मैं उनके सामने लेके जाता हूँ, तो कहते हैं कि ये क्या है, एप्पल का ईयरबड्स है क्या? मैंने कहा नहीं, एप्पल के ईयरबड्स नहीं है। तो फिर ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है, ये इस तरह खुलते हैं, और इनकी क्वालिटी ये है कि बस खोला और ये पेयर हो जाते हैं आपके फ़ोन के साथ, इसे बस लगाया, यानी कि बस सिर्फ ढक्कन खोलते ही ये पेयरिंग मोड में आ जाते हैं। और देखिए देख पा रहे होंगे, 100% बैटरी बता रहा है, रियल ईयरबड्स 100% बैटरी। देखिए रियल ईयरबड्स एयर 100% बैटरी, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने इसे प्रैक्टिकल यूज़ किया, आपने इसका रिव्यू काफ़ी देख लिया होगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल रिव्यू, मैंने जो इसको मेनली कॉलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। आप मान के चलें कि अगर किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन पे बात करते करते आप मान के चलिए 2 घंटे बाद इसे चार्ज करना ही पड़ेगा, इसके मैक्सिमम 2 घंटे ही है। 2 घंटे चाहे म्यूज़िक सुन लीजिए या कॉलिंग कर लीजिए, 2 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं ये। सिर्फ इसीलिए हैं कि शॉर्ट पेयरिंग, आप अगर ये कंफर्टेबल है, काफ़ी कान में लगाने में काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा ये चढ़ते नहीं है बच्चे। 2 घंटे के बाद इनको फिर चार्ज करना पड़ता है, और चार्ज करने के लिए इनका केस है, केस खोला, केस के अंदर डाला इस तरह, और चार्ज कर लिया। और जब चार्जिंग कर रहे होंगे तो ये देखिए ऑरेंज लाइट दिखाएगा, और जब चार्ज हो जाते हैं तो ग्रीन लाइट दिखाता है। सिंपली बंद बंद करते ही ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और खोलते ही ये पेयर ऑटोमेटिकली पेयर हो जाते हैं फ़ोन के साथ। तो ये सिस्टम था इसका, और क्वालिटी ये अराउंड 3,999 रुपीज़ के मिल रहे हैं आपका रियल मी पे, और ये अराउंड 1,200 रुपये का मिल रहा है। इसमें एक वर्ज़न आता है जो 900 रुपये का भी आ रहा है, बट मैंने ये 1,200 रुपये का लिया था, और काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप है। मतलब इवन मैं अपने 2 फ़ोन, एक अपना रियल मी बर्ड्स को भी चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद भी बैटरी जूस बचता है इसमें तकरीबन कि एक और किसी छोटी डिवाइस को भी चार्ज कर दे। और टाइप सी चार्जिंग है इसमें, तो टाइप सी चार्जिंग की वजह से
इसे चार्ज करना बहुत ईजी है, ये चार्ज भी जल्दी हो जाता है और चार्ज दूसरों को चार्ज भी बड़े फास्ट चार्जिंग में चार्ज कर देता है। इवन मैंने जो कन्वेंशनल चार्जर्स होते हैं जो मैंने लिए थे उससे भी ज़्यादा जल्दी चार्ज करता है। मेरे जितने भी घर में फ़ोन्स हैं, आईफोन्स, एंड्रॉयड, इवन मेरे डिवाइसेज जो टाइप सी डिवाइसेज हैं, टाइप सी मेरा एक और सोनी का भी मेरा एक ब्लूटूथ है, उसको भी चार्ज बहुत आसानी से कर देता है। बड़ा हैंडी है, कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने बैग में डाल दीजिए, कहीं भी अगर ऑनलाइन कहीं जा रहे हैं, किसी जगह घूमने जा रहे हैं, इवन अगर आपने ऑफिस भी जा रहे हैं तो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको हर जगह अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए कहीं चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लगाने की, अपने बैग में डालिए या अपने फ़ोन में डालिए फ़ोन को। मैं तो ऐसे करता हूँ, जैसे चार्ज करना होता है तो सिंपल मैं दिखाता हूँ, तो चार्ज करना होता है तो मैं जेब में भी चार्ज कर लेता हूँ उसको, अपने पॉकेट में, यानी इसको डाला, फ़ोन में लगाया और ये चार्जिंग मोड में आ गया, और सिंपल ऐसे करके मैं ऐसे ऐसे ही करके इसको मैं जेब में डाल लेता हूँ, चार्ज होता रहता है। और जब चार्ज हो जाता है सिंपल हटाया, बैग में इसको डाला और अपने फ़ोन को इस्तेमाल किया। तो ये था दोस्तों रियलमी का पावर बैंक, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ही इसे लिया है। पावर बैंक लेने के मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं था, मैंने कहा कि पावर बैंक की ज़रूरत कैसे है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये पावर बैंक, आप इसे ले सकते हैं। रियल मी का पावर बैंक 10,000 mAh बैटरी के साथ अराउंड 1200 rupees से मिल जाता है, 1200 से 900 rupees के बीच में मिल जाता है रियल मी में, वो अकॉर्डिंग टू साइज इसके कलर और उस पर डिपेंड करता है मॉडल पे। दिस वन एंड ये मैंने देख ही लिया, ये रियल मी बड्स हैं, एप्पल के बिल्कुल कॉपी लग रही है, और लोग कान में अगर डाल लें तो पता भी नहीं चलता कि एप्पल डाला है या फिर किसी को एप्पल डाले हैं या रियल मी डाले हैं। बस यही है वाइट कलर की खासियत, कि अगर किसी के किसी को पता नहीं है तो आप नहीं बताएंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये एप्पल के ईयरबड्स हैं या रियल मी के। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इवन म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, म्यूज़िक का भी बेस ट्रेबल बास काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बैलेंस है। तो ये था दोस्तों रियलमी के दो डिवाइसेस, रियलमी बड्स और रियलमी चार्जिंग का रिव्यू। थैंक यू, फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे रियलमी के बड्स, जो मैंने बताया आपको कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बड़ी जल्दी कनेक्ट होते हैं। ये 3,999 के रियल मी की साइट से मिल सकते हैं या अमेज़ोन से मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये है रियल मी का पावर बैंक 10,000 mAh और टाइप सी चार्जिंग के साथ और ड्यूल चार्जिंग सिस्टम है इसके अंदर। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे नई वीडियोज़ के लिए। इसे विदा लेता हूँ, ऑटो टेक्नो सचिन, थैंक यू।